हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली कॉमेडी। सो आज हम इस वीडियो के अंदर यहाँ पर बात करने वाले कि गोल्ड की नहीं, यहाँ पर जो सेप्टेम्बर फ्यूचर्स है करंटली मार्केट में किस तरह से ट्रेड हो रहा है, यहाँ पर आपको किस तरह का मोमेंटम फेज जो यहाँ पर आपको बनते हुए देखने को मिल सकता है। सो एज ऑन द फैक्ट आपको बताना चाहिए कि यहाँ पर हमारे पास जो कल के जो टारगेट थे इंट्राडे के अंदर लास्ट सेशन के जो टारगेट्स थे वो यहाँ पर हमें जरूर अच्छे होते हुए देखने को मिल चुके हैं। बट उसके साथ साथ में हम यहाँ पर बात करेंगे कि आज के जो टारगेट्स हैं इंट्राडे लेवल के अंदर एंट्री एज वेल एज एग्जिट आपको कौन सी पोजिशन पर करनी है, तो उन सब चीज़ों के बारे में बात करने वाले हम इसी वीडियो में। सो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने जिस तरह से हमने आपको सिल्वर में बताया कि एक अच्छा सा डाउनवर्ड प्रेशर जो यहाँ पर हमें क्रिएट होते हुए देखने को मिल रहा है, तो उसके कारण पॉसिबिलिटी है कि डाउन साइड के अंदर जो थोड़ा बहुत करेक्शन जो यहाँ पर हमें देखने को मिल सके गोल्ड के अंदर इतने सिल्वर के अंदर। बट हमारे पास जो अपर रेडीज अच्छा सा रेजिस्टेंस लेवल जो है, अगर उसको ब्रेकआउट देता है तो मेरे आपसे लॉन्ग पोजीशन आपको बनानी चाहिए। उससे पहले आपको अवॉइड करना चाहिए रेडीज गोल्ड एज वेल एज सिल्वर के अंदर रेडीज लॉन्ग पोजीशन के लिए। रेडीज 38,170 का प्राइस लेवल काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। सो अगर उसको ब्रेक करता है अपसाइड डायरेक्शन के अंदर तो ही आपको यहाँ पर आज के लिए फॉर इन इंस्टेंस आज के लिए आपको यहाँ पर जो है लॉन्ग पोजीशन बनानी है। उससे पहले आपको एग्जीक्यूशन करना नहीं है। उसके साथ साथ में अगर हम यहाँ पर बोले कि रेडीज एक अच्छा सा रेजिस्टेंस लेवल जो अच्छा सा डाउनवर्ड प्रेशर आपको क्रिएट होते हुए देखने को मिल सकता है, अगर समझ लो आप रिस्क टेकर हो तो आप अभी भी रेडीज एमएसडी का जो इंडिकेशन है वो भी आपको यहाँ पर स्लोली एंड स्टेडली जो है बनते हुए देखने को मिल रहा है। रेडीज आप देख सकते हो कि यहाँ पर वेट अ मिनट, तो यहाँ पर जो है हमें रेडीज ब्लू लाइन जो है वो रेडीज सिग्नल लाइन जो यहाँ पर हमें तोड़ते हुए रेडीज रेड लाइन को दिख रही है डाउन साइड के लेवल के लिए। सो हम यहाँ पर वेट करते हैं कि अच्छा सा अगर समझ लो डाउनवर्ड प्रेशर या फिर कंफर्मेशन अगर हमें मिल जाता है रेडीज, अगर आप देख सकते हैं करंटली भी अभी सेकंड जो रेडीज 13 डे का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है वहाँ पर हमें एक अच्छा सपोर्ट देखने को मिल रहा है। सो उसके कारण हम यहाँ पर एक अच्छा सा डाउनवर्ड प्रेशर जो यहाँ पर क्रिएट होते हुए देखने को नहीं मिल रहा है एज ऑन द फैक्ट। बट अगर समझ लो उसको भी अगर ब्रेक करता है डाउन साइड के लेवल के अंदर जो कि आपको करंटली एक अच्छा सपोर्ट के आसपास फिर से एक अच्छा सा रिकवरी देखने को जरूर मिल रही है। बट हम यहाँ पर वेट करेंगे कि अगर समझ लो सेकंड रेडीज ब्लू रेडीज 8 एज वेल एज 13 डे का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज अगर ब्रेक होता है तो हम यहाँ पर जो है ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। टारगेट आपको नियरली 38,062 का फर्स्ट टारगेट आपको देखने को मिल सकता है। पॉसिबिलिटी है कि उसके बाद एक अच्छा सा डाउन ट्रेंड भी यहाँ पर आपको और देखने को मिल सके, नहीं तो फिर एक अच्छा सा सपोर्ट यहाँ पर हमें देखने को मिल सकता है और फिर से अच्छा सा अप ट्रेंड जो है वो पॉसिबिलिटी हमें देखने को मिल सकती है। सो होप करता हूँ कि वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी, एज वेल एज ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए ज़्यादा मददगार रही होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।